जय आर सी एम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है, हम सब लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। विशेष ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंस रहना है, ज़्यादा कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहना है और स्वस्थ रहना है, क्योंकि लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोगों को बहुत बड़ा कुछ करना है। ठीक है, तो बस अभी हम लोगों को ये ध्यान रखना कि लॉकडाउन में करना क्या होगा। टॉपिक है कि लॉकडाउन में अभी हम लोग क्या करें। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि दुनिया का सब काम करने से होता है, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस सीखने से होगा। क्या करने से होगा? सीखने से। तो अभी हम लोगों को सीखना है, हर एक डायरेक्ट सेलर हम लोग किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी के कहने पे हम लोग आए हैं। कैसे आए, कब आए, क्यों आए, इसका अध्ययन कभी हम लोग नहीं कर पाए थे। बस चलते गए, कारवां बनता गया। अब दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग आरसीएम बिजनेस में है। ये बिजनेस बिल्कुल अलग है। हम लोग तुलना करते हैं टीचर से, हम लोग तुलना करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस से, हम लोग तुलना करते हैं और देकर कामों से। उसके साथ तुलना करेंगे सर, तो फिर फर्क क्या है? वहाँ पे काम करेंगे, एक्टिव इनकम ही मिलेगा, पैसिव में आप नहीं जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको पैसिव इनकम मिलेगा, जिसके लिए आपको सीखना है। तो हमें कामयाबी चाहिए, जिसके लिए सीखना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम हम लोगों को अभी पांच कामों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हम लोगों को लिस्ट मेकिंग करना है, सूची बनाना है। अब सूची कैसे बनाएं? जनरली बात है, सूची के लिए आज हम लोगों को कोई डायरी नहीं देखना पड़ेगा, आज हम लोगों को पुराना कोई खाता भी नहीं देखना पड़ेगा। आज के डेट में सूची हम लोगों का मोबाइल है। मोबाइल में हर एक लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल है और मिनिमम 100, मैक्सिमम 200, 300, 400, 500 नंबर सेव है। उनमें से हम लोगों को निकालना है सूची। अब रही बात, सूची कितने तरीके का बनाए? सूची आप तीन तरीके का बनाइए। पहले हम लोग जानते थे दो तरीके का। अभी तत्काल में हमने तन्मय सर का प्रोग्राम सुना, जिससे बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने बताया कि एक नंबर सूची होता है रिलेशन ग्रुप का, दूसरा सूची होता है फ्रेंड ग्रुप का, तीसरा सूची स्ट्रेंजर। ये स्ट्रेंजर क्या है ये जानना है। स्ट्रेंजर है कि जैसे आप कहीं पे सफ़र कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो बाइक में, सॉरी ये ऑटो में, बस में, ट्रेन में, इस सब में आधा घंटा से ज़्यादा यात्रा वाला अगर सफ़र हो, तो वहाँ पे अगले जो आगे आपका रहता है, चाहे वो कोई भी हो, उससे बात करना पड़ता है या बात हो जाती है। ऐसे ही अगर फेस टू फेस हम लोग देखेंगे तो मुस्कान हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहाँ से है, कैसे है, तो वो हो गया क्या? जब उससे बातचीत हुई फलाना फलाना जगह से, अच्छा हम तो उधर गए हैं, तो आपका नाम क्या हुआ? फलाना नाम हुआ। मोबाइल नंबर, तो हम लोग मोबाइल नंबर हर बड़ी में ले लेते हैं, वो सेव कर लेते हैं, वो हुआ आपका स्ट्रेंजर। और जीवन में, लाइफ में आपको बहुत बड़ा रोल अदा करके देगी स्ट्रेंजर। तो तीन तरह का लिस्ट हुआ, एक हुआ रिलेशन ग्रुप, दूसरा हुआ आपका फ्रेंड ग्रुप, तीसरा हुआ स्ट्रेंजर ग्रुप। इस तीन तरह का अभी लिस्ट करें, जो ही लॉकडाउन टूटेगा उसके बाद हम लोग वन बाई वन हम लोग न्यू प्लान करेंगे। दूसरा काम है हम लोगों का डीप एडुकेशन, डीप कोर्स जो आरसीएम के ऐप में मौजूद है। ये बहुत सामान्य चीज़ है, मगर जीवन बदलने के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। ये कोर्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक। टीसी सर के लिए मैं थैंक्स चाहूँगा कि ऐसा हम लोगों के लिए एक कोर्स तैयार किया गया, जिसको हम लोग महत्व शायद नहीं देते थे, और देते भी थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी वहाँ पे नौ, पार्ट वन में 9 चैप्टर है, पार्ट टू में 1-2 चैप्टर आया है,
जिस पे हम लोग अगर चाहेंगे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होता है उसको हम लोग चाहेंगे तो एक बार में देख सकते हैं, मगर एक बार में देख के क्या फ़ायदा। आपको समझना है, एक वीडियो डीप कोर्स का अगर आज हम देखते हैं सवेरे मॉर्निंग, उसके लिए एक टाइम सीमित कर लेना है, 5 मिनट 10 मिनट हमको डीप कोर्स सवेरे सुनना है, बुक पढ़ना है उसका अलग टाइम शेड्यूल कर लीजिए। मेरे ख्याल से आज हम लोग जिस तरीके से अभी टाइम है हम लोगों के पास, हमको अपने टाइम का शेड्यूल कर लेना चाहिए कि कितना घंटा हम अभी सीखने में लगाएंगे। दूसरा काम तो नहीं है, खाना है, बस खाने का गुनगाना है, यही काम है। तो अभी हम लोग को बड़ा कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए शेड्यूल चाहिए। अब आगे में आपका बुक है, मार्केटिंग प्लान पढ़ें या गो डायमंड पढ़ें या और कुछ करें, मतलब बौखलाया हुआ रहते हैं, अचानक इतना समय मिला है। तो अभी हम लोग अगर शेड्यूल कर लें कि हमको 6 से 7 बजे मॉर्निंग में हमको मॉर्निंग वॉक करना है, 7 से 8 हमको डीप कोर्स करना है, 8 से 9 हम लोगों को कोई बुक पढ़ना है, गो डायमंड पढ़ना है, उसके बाद टिफिन करना है, उसके बाद क्या करना है क्या करना है, इसका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक, शेड्यूल के मुताबिक हम लोग टाइम को यूज़ करेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो डीप कोर्स का एक वीडियो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का है, एक बार मॉर्निंग में देखें, एक बार दोपहर को देखें, एक बार शाम को देखें, और शाम को जब देखेंगे लगातार 3 बार वही वीडियो, तो कुछ चीज़ आपके जहन में